पेशा रूबरू मिस्टर इंडिया 2024 के फिनाले के सारे नजारे गोवा के बागमालू रिजॉर्ट में हुआ। रूबरू मिस्टर इंडिया 2024 का ग्रैंड फिनाले, जहां पर 29 कंटेस्टेंट्स ने अपना खास स्वैग दिखाया। वही शो की शुरुआत हुई गोवा के दो मशहूर होस्ट की मेजबानी के साथ और मणिपुर से खास डांस ग्रुप के परफॉर्मेंस थे। मणिपुर से खास आए थे ये मेहमान, जिन्होंने समा बांध दिया। वैसे जज की कुर्सी पर बैठे हुए थे अंतर्राष्ट्रीय मेहमान भी और साथ में देश के कुछ जाने पहचाने नाम। उसके बाद शुरू हुआ फिनाले, जहां पर सारे के सारे फाइनलिस्ट अपने ब्लैक टक्सीडोज और अपने सैश के साथ रैंप पर फिर से उतरे। जजेस ने किया सवाल जवाब, उसमें से चुने गए फाइनल 15 लोग और 15 लोगों में से 4 चुने गए भारत के 4 जोन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए और बाकी लोग अंतर्राष्ट्रीय मंच पर करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। यानी कुल मिलाकर बाकी ब्यूटी पेजेंट्स की तरह यहाँ पर 3 या 4 विनर्स नहीं बल्कि पूरे 8 से 10 विनर्स हैं, बल्कि पूरे 15 लोगों का बैच है जो अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर भारत का नाम रोशन करेंगे। Good evening, everyone. Thank you so much for coming. It's been like 20 years. We are celebrating this pageant with love, prosperity, a lot of support from everyone, globally, internationally, and nationally. So we have all our associates from America. To everyone, I don't want to repeat anything. But thank you so much. Thank you, all the officers, for being here. Thank you, Santa Ma'am, for all your love, care, support, always. And we have a few associates which we like to thank. So let's begin. Thank you. I am very, very satisfied because class se pehle, when I was looking at them, to unka body language, unka communication, unka delivery, and of course unke manners were not very much in place. But aaj unko stage pe dekhe, I am feeling very, very proud ki jo class maine li,
वो उनको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया आंसर देने से पहले, बिल्कुल वही स्ट्रैटेजीज अपनाई जो मैंने उन्हें सिखाई थी. एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय कंटेस्टेंट्स. से क्या बोलते हैं, दैट इज़ व्हाट मैटर्स. आजकल लैंग्वेज मैटर नहीं करती, क्योंकि पेजेंट्री में आपके पास ट्रांसलेटर्स होते हैं. सो आप जो भी भाषा में कम्फर्टेबल हैं अपने दिल से बोलिए, बिकॉज लैंग्वेज डज नॉट मैटर. What you say, जो आप दिल से बोलते हैं, that is what matters. So अपने दिल के भावों को आप अच्छे से उसी भाषा में व्यक्त कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो. सो आप लैंग्वेज से मत डरिए. अगर आपको लगता है इंग्लिश नहीं आती तो भी आप पैजेंट जीत सकते हैं जस्ट बाय बीइंग यू एंड बीइंग ओरिजिनल. एक रुका हुआ सा था, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि हमारे बहुत अच्छे विनर्स आए हैं, जैसे जेसन है जो मिस्टर ग्लोबल है, और बहुत से हमारे बच्चे इस वक्त इंटरनेशनल जा रहे हैं. इट इज़ ग्रोइंग, और धीरे धीरे इसकी जो ग्रूमिंग है वो भी बहुत इम्पोर्टेंस ले रही है कि इंटरनेशनली आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो इसीलिए अगर आप एक अच्छे बॉडी रखते हैं, एक अच्छा माइंड रखते हैं, और आप चाहते हैं कि आप इंटरनेशनल इंडिया को रिप्रेजेंट करें, तो बिल्कुल मत घबराइए, ग्रूम कीजिए और आइए हमारे रूबरू के मंच पर, और हम आपको वो प्लेटफॉर्म देंगे इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करने का. इसके अलावा आए हुए मेहमानों ने इन सभी विजेताओं को सैश पहनाया, उनकी ट्रॉफीज दी और उनका हौसला बढ़ाया. तो मिल लीजिए रूबरू मिस्टर इंडिया 2024 के इन फाइनलिस्ट से, जो आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय पेजेंट्स में भारत का नाम रोशन करेंगे. पंकज खरबंदा और पूरी रूबरू टीम की कोशिश रहती है कि भारत के कोने कोने से ढूंढ कर टैलेंट लाए जो जाकर विदेश के मंच पर चमके, और यही रूबरू मिस्टर इंडिया 2024 के फिनाले के मंच पर देखने को मिला. गोवा से ब्यूरो रिपोर्ट.